कहीं अभी तक जितने यहाँ जाके किसी ने एक नक्शा भी नहीं देखा, त्वाता तो बुझाओ। तो इसलिए मतलब ये नहीं, अब त्वाता तो साबा के जमाने में भी था, लेकिन उसकी तदवीर इस तरह अलग अलग सातों के रातों में नहीं थी। ये सातों के रातों में कारी साहब ने किया, कारी साहब ने किया। जी हजरत जी, कुफर की जानी मानी तारीफ फरमावे, मैंने बहुत ज्यादा की है। कुफर ईमान की जिद है, ईमान की तारीफ ये है कि जरूरियात दीन वो अकीदे इतने तवातर से साबित है यकीन से कि मुसलमान तो मुसलमान, जो काफिर मुसलमान बच्चे वो भी जानते हैं कि मुसलमान अपने नबी को आखिरी नबी मानते हैं। पांच नमाजों को फर्ज कहते हैं, रमजान के रोजों को फर्ज कहते हैं, जकात को फर्ज कहते हैं, ऐसे अकायद जरूरियात दीन कहलाते हैं। इनमें से किसी एक का इनकार या उसकी बातों का ये लिए कुफर है। इनकार तो यह है कि एक मैं नमाज मानते ये इनकार है, बातों का ये लिए है कि दिल की नमाज पढ़ता हूँ ये नमाज नहीं पढ़ता, ये तवील बात है, ये भी कुफर है। सारे फिरकों की जामी किताब मुस्लिम यहूदियत ईसाइयत और आजकल जो फिक्रे हैं इनके बारे में रहनमई कर दी जाए। ये जो आजकल के डर में कितने दिख रहे हैं इस बारे में तो सारे मुझे लेते हैं, मेरे मुजामिन आ रहे हैं, फिर जमा होते जा रहे हैं इंशाल्लाह। और बाकी जो है उनके बारे में कुछ किताबें पहले थी लेकिन वो भी आजकल दस याद नहीं हो रही। हनफिया पाकर लोग छपी थी मास्टर साहब मेरा हमारे वाले की, उसका नुस्खा न्यू टाउन में है। मैंने कई दफा दरखास्त की इसको शायर कर दी, उसमें यहूदियत का रंग भी है, ईसाइयत का रंग भी है और कामयाबियत का भी है, राबजियत का भी है। तो जितने मैंने कब वो है उसके जमीमा फिर ये मेरे राधे राधे साथ ताकि मुकम्मल हो जाए। वह सहाबी है लेकिन अहिमक्राम तो सहाबा न थे, लिहाज सहाबी का हुक्म ईमान पर मरतब करना कैसे सही होगा। मैंने से कौन सा मरतब किया है, जब सहाबा इमाम नमाज पढ़ाते थे तो आप बाद वाले नमाज नहीं पढ़ा सकता ना, क्या ख्याल है। अबूबकर सिद्दीक इमाम बने थे ना, हजमाज इमाम नमाज भी रहे ना, तो उसी की तकलीद में आप बाद वाले इमाम बन रहे हैं ना, नमाज पढ़ाते हैं। तो हम उनको सहाबी तो नहीं बना रहे लेकिन मुजतहिद के इतिहास की जिस्मत अल्लाह के नबी के सामने उन्होंने अपनी तरफ की है, इसी तरह आप मुजतहिद की नस्बत जो है वो मुजतहिद के इतिहास की तरफ करना, ये बात मैंने साबित की है। तो इसमें इतिहास में तो यही होता है ना कि उसकी उस जैसी मिसाल हो। आपके पास कोई पढ़ना चाहे तो फिरकों से बचने के लिए कोई शरारत तो नहीं है, तो इस बारे में वहां खत लिखे थे मुझे फारूक तहसीन को बयान करते हैं। क्या बुखारी शरीफ में तरके रफा बैन की हदीस है? जामी दादिया का महमूद उमर है अभी अमीर उमर, तो सही बुखारी शरीफ में अगर न हो तो फिर, और फिर ये कि हजरत अबू उमर शादी वाली रिवायत है जिसमें पहली रफाई जन का जिक्र है, बाद वाली किसी रफाई जन का जिक्र नहीं है। फारक दुनिया वाली रिवायत में भी रफाई जन का जिक्र नहीं है। तो इसलिए ये क्या माना कि बुखारी में जरूर हदीस हो, तो बुखारी में बैर के पेशाब करने की हदीस नहीं है, तो ये फरे पे पेशाब करता है बैर के करता है। बुखारी में एक कपड़े में नमाज पढ़ने की हदीस है, ये पता नहीं एक भी पढ़ता होगा, एक टोपी में या एक जराब में। कहते हैं अहले हदीस तंग करते हैं कि मसला पर बहस हो तो हदीस से साबित भी हो, तो कभी कहते हैं मुस्लिम लाओ, कभी कहते हैं बुखारी लाओ, कभी आसान से आसान सवाल बताएं उनको खामोश करने के लिए। तो उनको यही कहो ना कि तो हदीस लाओ के बुखारी की हदीस देख लिए, यही नहीं करना। वो क्या कहते हैं बुखारी लाओ, वो क्या कहते हैं रजी लाओ, क्योंकि ये अल्लाह के नबी ने फरमाया बुखारी की हदीस मानना और न मानना। फिर अब तो सवाल एक नहीं है, तजलियात में काफी सवाल, 401 सवाल, 201 सवाल, इतने सवाल छप चुके हैं। तो जब जैसा इनका जाना हो तो फोटो से दो सफे करा ले चलेगा, जिसमें लगा के एक पढ़ना शुरू कर दे। तो अब तो ये आपके करने का काम है, हर जगह तो मैं नहीं पहुंच सकता, सवाल आप बहुत आ गए इंशाल्लाह।
सिक्का में इख्तलाफ क्यों है, फिर इख्तलाफ की बिना पर सिक्का को छोड़कर कौन इसको सीधा क्यों नहीं इख्तियार करते। तो आपको किसी ने बताया कि सिक्का के इख्तलाफ को कहानी पैदा किया है? सिक्का के इख्तलाफ तो आए हदीसों से है, पहले हदीसों में इख्तलाफ हुआ ना, देखो ना पहली तबीर की रफाई जान में हदीसों में इख्तलाफ है नहीं, तो किसी इमाम में इख्तलाफ हुआ, किसी फिका में इख्तलाफ हुआ नहीं हुआ ना। तो ये जो इख्तलाफ है तो इख्तलाफ आए हैं जिसे समझ सो कैसे जाओगे, अहादीस में इख्तलाफ था इसलिए उनके राजे मरजू में इख्तलाफ पैदा हुआ। फोकहा ने इख्तलाफ पैदा नहीं किया, एक भविष्य ने एक को राजे करार दिया, दूसरे दूसरे को राजे करार दिया बस। तो इसलिए इस तरह पुराने पाक की दराज में बाद पाक इख्तलाफ होता है, मुसाफा में नहीं हुआ। तो इसलिए ये इख्तलाफ जो है ये तो अल्लाह के नबी ने भी बर्दाश्त किया है। देखो ना बनु कुरैज़ा में लोग भेजे और लाइसाफी बड़ी कुरैज़ा, तो कुछ लोगों ने देखा कि वक्त जा रहा है, रात में पड़ी कुछ ने जाकर आगे पड़ी, हजरत ने लम युवान ने फलाह बर्दाश्त फरमाया कि दोनों ने अमल किया है, किताब सुन पर अमल करने की कोशिश की। तो जिस इख्तलाफ को अल्लाह के नबी बर्दाश्त करते हैं तुम क्यों बर्दाश्त नहीं करते भाई? मसूदी सरकार का जमहूरियत तागूत है और कुफ्र शिर्क है, इस जमहूरियत को मानने वाले सब काफिर हैं, मुशरिक हैं। ये जमहूरी निजाम के बाद एक गैर मुसलमान मजीद तागूत के मजाक फरमाए, तागूत तो वो होता है तगा या तोगयान भी आते दरिया में, कि जब वो अपने किनारों से बाहर निकल जाता है तो उसको तोगयान ही कहते हैं। तो कराची के तागूत का नाम मसूद है, वो जब सारे असलाब से निकल गया बाहर किनारों से वो तागूत है, तो आप उन्हें असल में बताते नहीं कि तागूत है कहाँ रहता, इसलिए वो आपको बातें करते रहते हैं ना। बाकी ये कि जमहूरियत कुफर है या शिरक है, ये मसले दो अलग अलग है। एक है कानून शाली, ये इसलिए जमहूरियत के कानून इंसानों को बनाए हुए चले, ये तो बाकी शिरक। एक है कानून खुदा का हो, फिका इस्लामी हो, लेकिन चलाने में तरीका से उन तरीकों के लिए जमहूरियत बनाई जाए, इसके व्यापार का तरीका काम क्या होगा, तो ये दूसरी किस्म की जमहूरियत सही है। पहले किस्म की वो फर्क नहीं करते बेचारे, जिनको बोतल कवर का फर्क यार मालूम नहीं है, जिनको बुई के जजाकार यानी का फर्क मालूम नहीं है, वो बेचारे क्या फर्क जानते हैं। तो एक ये है, हम भी कहते हैं इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, इसी की वजह सुन्नत में है, इसी की तशरीफों का हानि फिका भी कर दी है, इसलिए कानून बनाना खुदा का छोड़कर कोई और भी बनाना जमहूरियत में ये बात गलत है। लेकिन जो कानून है उसको चलाने के लिए क्या तरीका का किस मुल्क में कौन सा मुनासिब होगा, इसके लिए जमहूरियत दुरुस्त है। ठीक है, तंजीम अखबार अकरम आवाम के बारे में बताए तो वो तो बता दू के बिहार जमात है, शख्सियत नहीं है, वो भी एक शख्सियत के सोच है ना सारी, इसलिए आपको तो बदगुमानी नहीं करनी चाहिए कि जब उन्होंने अपनी बुखार के लिए बीबी पार्टी को साथ बुलाया, यहां जो स्वीकारा ना उन्होंने फैसलाबाद हुई, तो इसलिए बुखार ज्यादा है वहां, दूसरी चीजें मेरे ख्याल में कम है। वो तो जैसे सियासी हैदा हो जाए ना तो फिर इंदिरा गांधी भी आ जाती है, सियासी हैदा होता है ना। चंद हमी जन घर में अमल न हो, ये तजलिया के सफर में मेरा जो मतलब एक यादगार मुलाकात, उसमें ऐसी हादिस मैंने दी है, तो उसको कोशिश करा दें, अगर सारी दिख लीजिए, अगर तो वो घर घर में होनी चाहिए किताब। लेकिन अजीब बात है, इन रुकों से पता ये चलता है कि आप तजर्बियात वगैरह नहीं पढ़ते, जब उनका इलाज मौजूद है आप ना करें, अब इसका मेरे पास को क्या, वहां जाकर पूछते हैं मुल्तान जाकर, जी ऐसा कोई बात है ना, तजर्बियात है कि खरीद कर रखी है पढ़ी नहीं, फिर जब मैं दिखाती हूँ कि तजर्बियात में ये बात लिखी है, अच्छा अजीब बात है कहते। और तो और जो लड़के मेरे पास दाखिले अभी तक उन्होंने पूरी नहीं पड़ी। कल परसों ही बात हो रही थी, मेरे ख्याल ये बात इसका जवाब कहाँ है, याद नहीं है। तजलियात भी है
देखा आनंद की कम कम तारीफ होती है, किताब से निकाल ही सके, निकालो कहाँ है, नहीं मिलाओ तो मेरी किताब ही पता नहीं बेचारी इतनी मजरूम की मेरे को भरता नहीं। एक बार अगर मैंने तफसील की थी कि बाद में उन्होंने को मुझसे नहीं मानते फासिक है, मैं कभी तफसील करें तो सूदियों का क्या हुक्म है, उस दिन मैंने बताया कि सब मुसलमानों को काफिर करने वाले के बारे में तो वादे है ना कि वो मुसलमानों से सारे मुसलमानों को काफिर करते। बाकी मैंने यह किया था कि जिस तरह मुतलक सुन्नत का मुनकर काफिर है, मुतलक हदीस का मुनकर काफिर है, हाँ किसी गैर मुतवातर हदीस का इनकार करे किसी वजह से तावील से तो उसको बिदअत कहेंगे काफिर नहीं कहेंगे। इस तरह मुतलक फिका का मुनकर काफिर है, कोई किसी फिका को माने लेकिन अगर मुतलक का इनकार करता है तो वो काफिर है। अगर वो कहता है कि मैं कुरान फिका को नहीं मानता दूसरी को मानता है तो क्योंकि दूसरी यहाँ मुतवातर नहीं है इसलिए शिशक होगा, मुफर नहीं होगा। लेकिन 10 तारीख चार अक्टूबर 14 तो चार रजब 14 अक्टूबर इबारा को इकावर मजमून इबारातर होगा 14 अक्टूबर मजमून इबारात अकबर उनके साथ है। इस तरह इनमें बकार अजीम नामी एक आदमी पिशावर का निकला, उसने किताब लिखी, उसका नाम है कराची की जमात मुसलमीन या जमात तकफीर कि सबको काफिर कहने वाली जमात। उसने यही लिखा कि ये सबको काबिल जाते हैं। हम उससे ये बड़े परेशान हो जिनको वो घाटा दे दिया, तुम्हारा तकफीर निकली उसके कतर के पीछे भागे, उसके पीछे किसको कतर किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। इस तरह वहां मुनीर भी जिसे बागी फिर का मौजूद है जो इनको नहीं मानता। तो मकसद ये है कि हल्की कब से आ रहे हैं, सुन्नी कब से आ रहे हैं, लेकिन उनमें चंद सालों में कई किरतियां बन गई। और अजीब बात है, आपस में एक दूसरे को गैर मुस्लिम करते, वो कहता वो गैर मुस्लिम, वो कहता वो गैर मुस्लिम, हम कहते सारे सच हो रही क्या जरूरत है किसी को बुरा करो कि सारे सच्चे है। इसलिए असल में तो ये सिरका गैर मुकल्दों का था, इनसे आप इस्लाम की तारीफ से ये नहीं कर सकते और करते भी नहीं, बिल्कुल नहीं करते। हमसे पूछे ईमान की तारीफ कम करते, इस्लाम की तारीफ क्या हम करते हैं, क्यों हमारे ईमान की तारीफ शुरू से आ रही है, हमारा ईमान भी शुरू से आ रहा है। इनका ईमान कसूर से मुतालिक है ना, कसूर शुरू से था भी। इसलिए अगर वो कहें तो कुरान भी इसको माने सिर्फ, तो पूछे कि फिर आप गैर मुकदों को गैर मुकदम क्यों कहते हैं, उनका भी यही दावा है सिर्फ कुरान भी इसको मानते हैं कि जी जो असलाब से बता हो तो क्या हल्दी साहब इस्लाम के मतहत नहीं। अब पहले नाम छोड़कर ये नाम बदलने की जरूरत क्या है, अब हल्की शर्फ से आ रहे हैं या नहीं, शादी तरफ से आ रहे हैं या नहीं, अब नाम सल्फी आगे जाते ही रख लेते हैं, इसका अलग क्या है। गुजर वाले बैठा था तो जहां पे राजी साहब आए कहने के एक साथ आदमी लगे ये सल्फी है, अच्छा मेरे का असली भी आया साहब या नहीं, हाँ जी असली भी है, अच्छा जी ये आप हदीस के फिर मेरे का हदीस के इनका दर्द है, मैं तुम सल्फ में होगा दर्द हो गए असर सल्फी जो मर चुके हैं असली मरने वाले जो रिका जी। और मौत का नाम चार मुआविया है, विजय असरी की मौत बन गया ये। अब नाम देखो हदीस से रख लिया सर्दी और असल, हालांकि ये कब्रिस्तान में जाकर दुआ मांगते हो पांच दिन सलफा ना बता दू दे असर, तुम तो मर चुके हो हमें भी अन करीब नहीं देगा चार मुआवजे पीछे तुम्हारे और असरी कर दे।
मकसद ये है, अमीरों ने जो किताबें लिखी है खुलासा तलाशी हक, मैंने जाना की असल किताबें तलाशी हक, वो सब की अपने आप को आगे हरीश लिखता था। फिर जब मुसलमान हुआ उसकी कांट छांट करके खतना वगैरह करके उसको मुसलमान किया उसने, और अब उसका नाम रखा खुलासा तलाशी हक। अब हमने बड़ी कोशिश दो साथ में लगाई हुई, पहले वो गुफर देती थी एक बार, अब दे दी है पीछे छापरी बंद कर दी है, इसलिए जिसके पास है उसकी हिफाजत करें और भी जो भी आज, क्योंकि उसने इसने खुद लिखा था कि चारों मजहब बाहर है। अब भी उस किताब को मानते हैं हनफी शाफी मालिकी हम्बली चारों बाहर है, और चार इमामों ने अपना मजहब किताब और सुन्नत को सामने रखकर मुदावन किया है, और यहाँ तक लिखा है कि मैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खा के पा के बराबर भी नहीं हूँ, और इमाम साहब की तारीफ खूब लिखी है। अब बुरी जब मैंने शायद कर दी क्योंकि हमारा इमाम जो है तुम्हारा इमाम तो हमारे इमाम की खाके पा के बराबर भी नहीं है। अब अजीब बात है कि ये मुसलमान को मुस्लिम ना हो, फिर एक दिन आया कि हदीस बुखारी भी है तो क्या है, तो जमात और मुसलमान को लाजिम कर रहे और उनके इमाम को आगे क्या है कि अगर जमात और मुसलमान ना है तो फिर जड़ दरख्तों की जवाब बकरियों लेकर कहीं गले जा बाहर किसी भी शामिल न हो। तो मैंने कहा अब जमात और मुसलमान पहले से आ रही है, कराची में बनी है पहले से आ रही है, फिर सब मशहूर से पहले वीर का नाम लिखो क्या था, उससे पहले का नाम क्या था, उसके पहले का नाम क्या था, कब मेरे का मालूम हुआ कि ये जमात आप बनी है इसने बनाई पहले भी। और इस हदीस का बड़ा मंत्र यही है क्योंकि हदीस ने कहा कि अगर जमात ना हो तो जमात बनाना दर दरख्तों की जड़ चबाना जा, इसलिए अल्लाह के नबी की जमात जमात बना रही है तो ये अल्लाह के नबी के हुकूम मुताबिक नहीं बनी, इसलिए उसको तो जड़ चबानी दे दी जाता, और ये अल्लाह के नबी का बिल्कुल है। बाकी जमात और मशरबी जो हदीस है वो वही है जिनका तवातर के साथ ताल्लुक सहाबा के साथ, और क्योंकि उनका मुसलमान होना यकीनी तय करता है, ये जो होगा सब मार्को मुसलमान है तो हम मुस्लिम को देखा इनकार तो कभी भी नहीं करते ना, हम मुस्लिम है इसलिए मैं मोहम्मद कबीर सिंह यहाँ से किया करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें इंसान बनाया फिर मुसलमान बनाया फिर अहले सुन्नत बनाया फिर हनफी बनाया ताकि इन लोगों की तरबीब हो जाए जो ये झूठ बोलते हैं कि मुस्लिम नाम छोड़कर मेरे संतुलन करता है। आज अपने आप को फैसलाबादी लिखते हैं तो पाकिस्तान में नहीं होते ना जी, पंजाबी भी नहीं होते, आपने पंजाब को छोड़कर फैसलाबाद में इख्तियार किया ना, अब जो ऐसी बातें करेगा उसको आप पागलखाने बोलेंगे या इमाम मानेंगे, पागल का इमाम तो हो सकता है कि जिसको ये भी पता नहीं कि फैसलाबाद पंजाब ही है, फैसलाबाद पाकिस्तान में ही है। हाँ मैंने पहले भी कहा था कि ये जिसम की तारफ करी होती है और जितना छोटा तारफ हो उसमें लफज हो तारफ ज्यादा होता है, फैसलाबाद में पंजाब का लफज समझ आ जाता है पाकिस्तान का ही समझे, लेकिन पाकिस्तान में हिंदी के बराबर फैसलाबाद ही हो मुल्तान भी बराबर हो सकता है, लाड़का में भी बराबर पंजाब से बना दी तो हैदराबाद या लाहौर भी बना दे सकता है, दिल्ली भी बना दे सकता है, तो इसलिए छोटे लफ्ज में तारफ ज्यादा होता है। हनफी में मुसलमान का इनकार नहीं, हनफी पहले मुसलमान है फिर सुन्नी है फिर हनफी है, जिस तरह फैसलाबादी पहले पाकिस्तान में फिर पंजाबी है और फिर फैसलाबादी है, तो इन लोगों बेचारों का यही होता है कि झूठ से अपना मकसद क्यों करते हैं कि देखो जी इन्होंने नाम छोड़ दिया
कहता बस जी गुसरेवीर बस हो जाएंगे, ना गुसरेवीर ही होने चाहिए। सब कुछ तो फिर बसा गया से आना बिना गुसरेवीर का पहला वो है दूसरा बुजुर्गा नाम था, क्योंकि बाकी सब कोई ना कोई साथ नाम रखा हुआ है ना, लेकिन फिरौन ने भी दूसरे वीर कहने के बाद कोई और नाम नहीं रखा और मसूदा ने दूसरा वीर कहने के बाद कोई और नाम नहीं रखा। तो देखा पहला तो बड़ा वीर फिरौन था, दूसरा मसूदा बता। तो इसलिए सिर्फ अगर ये रखने से नाम है तो फिर इनका पहला इमाम फिरौन। अब देखो जिस तरह मुसलमान तो सारे थे ना, हमारे भी कहते हैं मुसलमान है, लेकिन फिर ईसाई नाम हुआ, यहूदी नाम हुआ, नसारा नाम कुरान में आता है या नहीं आता? कोई एक आयत या हदीस के मुसलमान के साथ अपने तारक के लिए कोई और नाम भी रखा जा सकता, ये कहीं मौजूद नहीं है। तो इसलिए जब ये कहते हैं कि कोई और नाम रखना जायज नहीं, तो फिर आप इनको साफ करें कि यही आती यहूदियों की आबाद रोमान की थी, वो अपनी मर्जी से चीज को हलाल हराम कर लिया करती। अल्लाह का नबी फरमाया क्या है संत नाम रखना हराम है, मसूद कहता हराम है, तो यहूदी अपनी तरफ से हराम कर लेती चीज को। इसलिए यहूदियों की आबाद रोमान में से बचा हुआ एक मसूद भी है और ये अपनी मर्जी से हलाल हराम करता है तो सिर्फ नहीं जाता। इसलिए इन्होंने जितनी किताबें लिखी है, अब तक हिंदू इस्लाम इसने लिखी, कहता है मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ। अब वहां कुरान को क्या मानता है, कहता है कुरान पाक पढ़ने से न पूरी नमाज आती है न पूरे रोजे के मसाइल आते हैं, हाँ कुरान पाक को पढ़ने से और यादी समझ आती है, फहाजी समझ आती है। मैंने जब ये हवाला था गुरु शराब का शाय कर दिया, अब जो एडिशन नहीं आया उसे निकाल दिया। तो जो कुछ मैंने तफहीमुल इस्लाम इसकी किताब है इसके हवाले दिए थे सारी किताबों के, वो सारे इसने निकाल दिए। कुछ मशहूर निकाल गया था, कुछ अब इश्फाक निकाल रहा है कि उनका शादी हो गए। और उसने मेरे एक कॉन्फ्रेंस का जवाब भी लिखा है, अमीर ओकारी के इतराजात का जवाब, उसका जवाब फिर मैंने लिखा है, सब भी लिखा है। अब मैंने इसे दो तीन खत लिखे कि अब मर गया है या जिंदा है, वो पहले भी मेरा कर्जा लेके मर गया, तू भी मेरा कर्जा लेके मर रहा है, अजीब है। हालांकि जनाजा भी इनका जायज नहीं जो कर्जा मेरा लेकर मर रहे, मैं ठीक से रह जाता हूँ कि मेरा कर्जा अदा करो, मेरे जिम्मे अब्दुल्ला किसी का कोई सवाल कर्ज नहीं है, जिस तरह के सवाल आता है मेरे जवाब लिखे और मेरे सवाल है सबके जिम्मे कर लो, क्योंकि मैं सवाल ही सोचकर वो करता हूँ जिसका जवाब बना आता हूँ। एक ही गुनाही का तरीका ये होता है, ये सवाल भी खुद लेते हैं जवाब भी खुद लेते हैं। ये हदीस अपनी वर्दी की पढ़ ली, उसमें जो मसला उसका सवाल लिखा, आगे फिर जवाब भी वही हदीस लिख दी, अब वो किताब छप जाएगी तो पढ़ने वाले के जीव पर एक अजीब असर पैदा होगा, यार देखो हर सवाल का जवाब हदीस से दिया है। हालांकि ये सवाल है, सवाल हदीस को देख कर बनाया गया है। अब अगर वाकई में ये असर ठीक है तो फिर मैं जो सवाल लिखता हूँ, अब मैं भी हदीस पढ़ कर देखता हूँ, पढ़ कर जाता हूँ जो बात हदीस में आई और इन काम पूछ लेते हैं। अब मैं कहता हूँ लाओ हदीस, वो देसी का सर बेचारे, लेकिन इस बारे में आप अगर आपसे मुझे थोड़ा सा शिकवा है कि आप सुन के फिर खामोश रहते। पहले डॉक्टर मंजीत साहब रहे थे फैसलाबाद में गोदरे वाले, तो फरमाया करते थे कि एक सवाल हमें दो, इनका अमल हो और हदीस उनके पास न हो। तो मैंने इनको एक दो सवाल लिख दिए, अब वो उस पर पके हो, उन्होंने खूब इस्तेमाल किया, ये तो भैंस का दूध हला लिया रहा हूं। और एक जो भीतर में आप जो राज करके जाती आगे जिसकी हदीस थी, डॉक्टर साहब ने इसका ऐसा इस्तेमाल किया कि डॉक्टर साहब के पास गैर मुकर लाने बंद हो गए।
जी पहले आप अच्छा काम करते थे, कुरान दीजिए तो अभी पढ़ाया जा रहा है। और फिर ये है तो झूठों का पता लग गया कि कुरान जिसका नाम झूठ कौन देते सच कौन देते, इसलिए आप झूठे हो गए। आप अगर आप इन सवाल की कदर नहीं जानते जो आपने लिखे हुए, ये सवाल आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह आप सवाल भेजेंगे तो आपको देखकर गली छोड़ जाएंगे, जैसे अगर तुम उनको देखकर वो गली छोड़ जाता था तो ये फिर हदीस बन गई, हदीस बन गई। ये जो फिरका है मसूदी फिरका इसका लोग, इसलिए अच्छी तरह समझे धोखा इनका वही होता है। इस पर बातें मैं पहले भी कुछ अर्ज कर चुका हूँ कि जितनी आयतें कुरान में तफरत वाली है वो सारी लिस्ट बना लेती है, फिरका बंदी बुरी है, फिरका बंदी बुरी है, तो मैंने फिरका बंदी करा कुरान में नहीं है, बंदी करा भी बाकी का है। उसके बाद कहते हैं ये बुरा है, मैंने ये बात वादे की थी कि फिरका बंदी हर बुरी नहीं है, दूसरे फिरके भी बन सकते हैं जो तकसीम कार के लिए है, लेकिन सब वो अपने अमल उनके अलग अलग होंगे, कोई तबलीग में जा रहा है, कोई जिहाद में जा रहा है, कोई तबलीग में बैठा है, और गलत फिरके फिरके भी बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये बताया था कि जहां भी कुरान और हदीस की आयतें मौजूद है तो इख्तलाफ और तफर्रुक मना है, वहाँ या दीन का लफज है या बजीना का लफज है, कि पूरी मिलाप के बाद फिर इख्तलाफ बन रहे। और उसकी मिसाल मैंने तजलियात में लिखी भी है, अब दिया भी करता हूँ, तो देखो शहर फैसलाबाद में पूरी मिलाप का सिलसिला इस तरह है। अब यहाँ कोई किबले की तरफ पूछ करके नमाज पढ़े तो इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, सब कहेंगे ये गलत। लेकिन एक इतना जो इतिहादी है वो ऐसे इतना उसको तहरी कहते हैं। अब नमाज का शहर ऐसे जंगल में है जहाँ पे न बताने वाला किबला किधर है, न कोई मस्जिद का मीनार नजर आ रहा है, न कोई दिवाली नमाज पढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन नमाज उस वक्त की नमाज नहीं हुई, उस वक्त एक ने तहरी की और नमाज पढ़ ली, लेकिन बाद में पता चला कि किबला किस की तरफ है, समझे नहीं था। तो इस्लाम कहता है तो उसकी दिमाग हो गई, एक ने इधर पढ़ ली एक ने इधर पढ़ ली, तो ये इस तरह से इतिहादी इस्लाम की मिसाल है। इसलिए उन आयतों को जो दीन के बारे में बाजार वाली आती है उनको यह चश्मा करना, इसको कहते हैं जो हर फूल काले में मवा गई। सही बुखारी शरीफ में है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे कि खारजी बदतरीन फिरका है, क्यों कि काफिरों वाली आयतें मुसलमानों पर चश्मा करता है। तो खारजियों का पहला एडिशन वो था जो हजरत अली से लगा, और उसके एडिशन बदर में होते रहे, ये मसूदी फिरका कितना भी उसी खारजियों का एक एडिशन। खारजी भी कुरान का नाम बहुत लेते थे, अल्लाह के पैगंबर बात फरमाते हैं कि उनकी दीवारें देखोगे तो हराम होता है, फिर माने पाते कुरान पढ़ेंगे तो बड़े अंदाज से पढ़ेंगे लेकिन हलक से नीचे नहीं होते ऊपर पड़े। तो जैसे वो खाजी थे, अगर भी उनको मार्किन फरमाया तो दूरी आपसे निकलने वाले, कुरान का नाम लेकर कुरान की मुखालफत करने वाले, नबी का नाम लेकर नबी के मानने वालों को गैर मुस्लिम कहने वाले, और मुहद्दिसीन का नाम लेकर इनकी मुखालफत करने वाले, उनको गैर मुस्लिम कहने वाले, तो ये उन्ही टोलियों में से है जो गुमराह फिरकों को कहता है। इसलिए ये इन्होंने जो बनाए हुए नए मसले कि अहले सुन्नत का नाम बना है, ये कहीं अलग सुन्नत बना नहीं किया, हनफी का नाम बना है ये कहीं बना नहीं किया, कहने लगे जी हदीस भी आता भी तो नहीं, तो मेरे साथ राहुल बुखारी इधर नहीं आता, वो फिर लिखा रहा हूँ भाई जो राहुल बुखारी का है वही होता है, जिसे किस्मत का है, वहां की किस्मत इसीलिए है हदीस नबी की है जब इमाम बुखारी लिखा है, ये फिका किताबों सुनने से नहीं लेकिन जमन करने वाले इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इसलिए इनकी किस्मत इनकी तरफ होगी, और ये किस्मत हदीस से साबित है कि जायज है।
क्योंकि हदीस माज रजी अल्लाह तला है कि जब हजरत माज से हजूर पाक ने पूछा कि अगर मसला किताब सुनने होगा तो क्या करोगे, उनका आज कह दो दे राय, राय की रिश्वत अपनी तरफ की। तो अल्लाह के नबी ने मना भी किया कि राय की रिश्वत अपनी तरफ न करो। इस तरह अगर अबू हनीफा की राय की तरफ अबू हनीफा तरफ की जाए तो ये तो हदीस रसूल से साबित हो गया कि बुलशद जो है उसके इतिहास की रिश्वत बुलशद की तरफ होनी चाहिए। अगर शाफियों की रिश्वत शाफी की तरफ की जाए तो जब हजरत माज को हजरत ने इजाजत दे दी कि अपने इतिहास की रिश्वत अपनी तरफ करे, हजरत ने रोका नहीं, तो ये कौन है रोकने वाले? जो वही करी होगी हमारे आबाद और बात होंगे ना, जिसको अल्लाह के नबी जायज करार देंगे उसको नाजायज करार देते। तो इनकी सलात मुस्लिम है उस पर मुफस्सल तबसरा तो जब याद में मैंने कर दिया हुआ। अब उसमें शुरू में लिखा हुआ है कि इस किताब में बड़ी तहकीक के बाद ऐसे लिखी गई है, हमने जिद नहीं, अगर कोई ये बताए कि फलां हदीस इसमें ज़ईफ़ आ गई है तो हम उसको निकाल देंगे। तो मैंने जो कुछ जलियात में छपा है ये उस वक्त बनाई जो हमने लेकर भेज दिया था मसूद को, जिनका अगर बाकी तो अपनी बात में सच्चा है तो मैंने इस पर मुफस्सल जगह कर दिए, इसलिए आइंदा हदीस में ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर छप रही आज छपा के जलियात के लिए उनको पूछ चुकी है और उसके कुछ हिस्से का जवाब भी इस बात में जरूर पहुंच दिया है, लेकिन पता चला कि ये बेचारे हर बात में झूठ बोलते। तो इसलिए ये एक फितना है खारजियों का एडिशन है। तीसरा और भी बहुत से एडिशन आते रहे तो मैंने बियारे हक बताया कि बियारे हक कोई फर्क नहीं है नबी पाक के बाद, नबी के दीन को आगे पहुंचाने वाली जमात सहाबा है और वही बियारे हक, और सहाबा वाला कुरान तवातर के साथ सात कालियों के जरिए पहुंचा। जिस इलाके में जिस कार्य की किरात पर तलावत हो रही है उसी पर तलावत होगी, बस यही दीन का सही तरीका। और अल्लाह के नबी की सुन्नत और सहाबा का तरीका चार अहमद के जरिए उम्मत को तवातर के साथ मिला है, खबर वाहद के साथ भी मिला। तो इसलिए इसके खिलाफ अब कोई भी उठे मसूद का नाम लेकर उठे वो भी मसूद नहीं होगा, शकी होगा, नामसूद ही होगा। महमूद के नाम से जैसा महमूद की तरह उठे तो वो भी ऐसे ही होगा, मरदूद होगा, लेकिन ऐसे लोग। तो आजकल ये नामों का धोखा है, जैसे कुरान ने पहले भी शिकायत की है असमाउल सब मैं तो मुँह, ये तो तुमने कुछ नाम रख लिया जिससे लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो नामों से धोखा देने वाले बुतपरस्त भी थे तो ये इब्राहिम है, नामों से धोखा देने वाले अहले किताब भी थे और नामों से धोखा देने वाले सुनते आज भी निकल रहे हैं बन। अब वो ये दूसरे दिन दौड़ तो मेरे एक आदमी को लिया मेरे से ये इब्राहिम कुरान जिसका जिक्र है ना, ये देखो कुरान वाला मूसा जैसा है, ये याकूब कुरान वाला है, वो यूसुफ कुरान वाला है, तो दही इसे कैसे कुरान में नहीं ये कि ये तो मराद नहीं है ना, मैंने कहा इसी तरह तो भी सुना दी। इसलिए इनको तो आसानी से करीब से पकड़ना चाहिए ना। वो एक आदमी था ना, उसका नाम था गरीब। अब वो कहता था कि देखो मेरा कुरान नाम आता है, मेरी दौर कुरान में आता है और क्यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा कि गरीब पर ईमान लाए थे या नहीं। सुन मारा कुछ आलो न जाओ मैं आगे नानी गरीब, तो मैंने भी एक तालुन को भेज दिया मसूद के पास, बुझा कि मैंने जमात बनाई है और मेरा नाम दईब है, कुरान में मेरा जिक्र है, दईब तो भी मसूद का नाम कुरान में दिखा। तो असल में उनका मुकाबला गोराओं का तो इसी तरह होता है, जैसे एक तो मैंने कहा था कहीं भी नकू मसूद नवीर मेरा नाम भी कुरान में तू कह रहे उनका नाम ईमान ला मसूद का नाम कुरान को नहीं है कहीं। अब जब मैं कहता हूँ कि मेरा नाम कुरान कहता ही गलत है, तेरा कहाँ निकला कुरान में? तो इसी तरह ये बेचारे आज भी नाम रख लिया है कराची में बात कर, तो इस नाम से धोखा नहीं खाना चाहिए। ये नहीं है इलास मान सब मैं तो मुहा लिया,
और फिर कुरान से 8-10 नाम दिखा दे कि भाई कुरान वाले और भी बैठे हैं, वो इब्राहिम बैठा है, वो याकूब बैठा है, वो यूसुफ बैठा है, वो मूसा बैठा है, बहुत सारे बैठे नहीं है। तो इसलिए ये धोखे हैं और कुछ भी नहीं, एक धोखों के सिवा बेचारों को पढ़ने में कोई चीज नहीं। और है वो जहरी आवाज भी, अब आपस में लड़ते हैं कि वो हक नहीं मैं हक हूँ, वो कहता वो हक नहीं मैं हक हूँ, और लड़ाई में सारी उसी पर है। तो जिस तरह अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि नजात जमात में है, गुमराही की बुनियाद याद रखो खुद रही है, क्या है अल्लाह को नजर एजाब कुल जी राय दे राय दी, हर नाहल है अपनी राय पर तकबर और रोल करे कि जो मैं समझा यही दीन है, जो उसने समझा वो दीन नहीं है। हम में और उनमें यही फर्क है, वो सब खुद राय करते हैं, ये मशहूर ने समझा, ये मदूद ने समझा, ये इसराब ने समझा, ये उस भरी ने समझा, लेकिन हम कहते नहीं ये सहाबा ने समझा, और वो सभी तवातर से खबर बात से तकरीबन तवातर से पूछी, जैसे कुरान तवातर से पहुंचा है नबी की सुन्नी पात्र के साथ, और मुसलसल बिना ये पता है हर की पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म की नबी है कि वो हर जमाने में रहेगा। लेकिन ये तो कराची में बना, कोई कालिया में बना, कोई कहीं बना, तो इसलिए ये अब दो फिरके बने हुए हैं। तो ज्यादा जो फिरके हैं इनका जिक्र कुरान में नहीं, हाँ वहां से लेकर नाम लाकर धोखा दे तो उसका हाल मैंने आपको बता दिया है कि रब्बे का जिक्र नहीं आता, इब्राहिम का जिक्र भी है, मेरा भी है, लेकिन हकीकत है कि वो बड़े बना गए नहीं हूँ। तो इसी तरह वहां ईद का जिक्र नहीं है कि सिर्फ नाम रखेंगे और दिन बजाने से पहले कोई चीज नहीं है। बाकी इस बारे में तो जब याद भी मेरे तफसीली मुलाजिम कुछ लिखे हैं, या जब विनोदम से आया तो असल में मैंने सारी किताबें इसकी मौजूद थी उन पर मेहनत की, तो मैंने सोचा कि कितना यहाँ पंजाब में नहीं होगा, अब यहाँ वो सारी किताबें मेरे मौलाना दरबारी साहब को दिया कि यहाँ पे इसकी मेहनत है। मैं यहाँ आ गया तो हज मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब सफरी की दावत पर कादू दारी के मुफ्ती साहब, तो जो दो आदमी थे, जो दो आदमी थे, तू वहां जा बैठा, ये हम यहाँ तंग कर रहे हैं। फिर जो कुछ चार किताबें मेरे पास थी उनको सामने रखकर फिर मैंने अलकार में मजबूर दिया। हजरत के रिश्तेदार भी है कुछ मुल्तान में मुफ्ती अब्दुल रऊफ साहब के, तशरीफ लाया सिंह एयरपोर्ट से मेरे पास पहुंची, तो कि वो आदमी दो भेजे हैं खत लिखे हैं, मेरी खाजी मैंने शुरू कर दिया सिलसिला अलखार भी, क्योंकि नहीं आया दो अलखार जो से निकाले कोर्ट की जेब से, देखो नहीं आया, इनका नया नया जो बात रिया मैंने कही है, बस बैठे बैठे पढ़ा, पर मैं इस तरह के 5 साल में देख दो बस काफी हो जाएंगे, और अलहमदुल्ला अलखार में भी सबके इकट्ठे जरियात में सबके किए। अब आप उनसे पूछे तो सही, उनका जवाब लिखे, जिसका जवाब लिखा था उसका जवाब जवाब भी सबके था, लेकिन इन बेचारों के पास कोई जवाब नहीं है, ऐसी करती होगी तो करती हूँ वो नहीं जो इस मजे से निकल लेते हैं। एक दूसरे के इलाज पर भी एक हाथ के साथ सलाम देना सुनत है, या दो हाथ के साथ में गुजर था इसकी इलाज पर भी। तो सही बुखारी शरीफ में बाब यही है, बाब अल मुसाफा बिल हिदायत, ये तो हदीस होती है जो दुनिया की किसी हदीस की किताब में बाबुल मुसाफा बिल यमीन भाई नहीं था, इसलिए ये बिदत है और दो हाथों से मुसाफा सुनने का। इससे पहले मैंने अर्ज किया था यहाँ कि वो सवाबी में बैठा था ना, तो दो गैर मुकल रहा है, एक टेप आदमी नहीं था कि जो कुछ कहे वो टेप हो जाए, और एक आ गया सलाम अलैकुम जी, मैंने बाया हाथ में वालेकुम सलाम, किसी आ गया ये क्या होगा, कहते सुनने का ये मेरे को मैं थप्पड़ मार के डांस सारे निकाल दूंगा, हमारे कहीं पर झूठ बोल रहा है जब भी बोलता था, एक हाथ है मेरे ये बहुत है ये भी हाथ था, तूने यवीर का लफ्ज दिखाना है, मैं 3 दिन मेरे का यहाँ हूँ, यवीर का लफ्ज जैसे कोई भी यवीर का बैंक हाथ से खाना खाए
जमीन का लफ्ज दिया, मैं 50,000 रुपए इनाम भी दूंगा तुम्हें। तो इसलिए आप दिखाए मैंने हदीस दिखा दी, तो कहता है हजरत पाक का एक हाथ था अब्दुल रसूल के दो से, और उनकी दबी थोड़े आगे दो करें जिनका, फिर तुम क्या करोगे, एक करेंगे, मैंने करो कैसे करते हो, हाथ किया मैंने आगे उनका कर। ये क्या फिर सर, मैं दो आसन 900 की नबी है, तो एक पूरा आसन 900 में साबी है, तो मैं तो जो नबी में साबी है, इसलिए मैं तो छोटे घर जा रहा हूँ, मेरा भी नहीं करूँगा। अजमान कुरान मतलब हो गया और यूनिवर्सल कुरान या सब कुरान के नुस्खे करा दिए। अब फैसलाबाद में कितने नुस्खे आए हैं आयुष्मान वाले, आए फैसलाबाद में बात मैंने किया तबाह कर दी, हमें जो पहुंचे हैं वो कारी साहब के द्वारा से पहुंचे हैं, वो जिसके ठीक पहुंचे कारी साहब ने उन्हीं नुस्खों के सामने रखा, लेकिन